नमस्कार, स्वागत आप सभी का सिलसिला बाजारों का में। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शाठी और सिलसिला बाजारों का में एक बार फिर से लेकर हाजिर हूं यहां पर कम्युनिटी बाजार का अपडेट लेकर। जानेंगे कि आज सप्ताह के पहले कारोबारी दिन कम्युनिटी बाजार कैसा ट्रेड करता नजर आ रहा है, कैसा खुलता नजर आ रहा है और इस कारोबारी सप्ताह कौन सी कम्युनिटीज़ में अच्छे कमाई के मौके रहेंगे, किन में निवेश करके चला जा सकता है और क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, ये सब डिस्कस करेंगे और रूपा मेहता की राय भी जानेंगे। स्टार्ट करेंगे सबसे पहले हम यहाँ पे गोल्ड और सिल्वर से। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि आज इंटरनेशनल स्पॉट मार्केट के अंदर गोल्ड $1941 पर ट्रेड कर रहा है और जो चांदी है वह $24.8 पर ट्रेड करती नज़र आ रही है। देख रहे हैं गोल्ड और सिल्वर की जो प्राइसेज हैं पहले से रिकवर हुई हैं लेकिन ज़्यादा तेज़ी की ओर नहीं जा पाई। डॉलर हल्का मंदा हुआ था, डॉलर इंडेक्स में हल्की सी करेक्शन आई थी हाई दिखाने के बाद, उसकी वजह से जो करेक्शन आई है डॉलर इंडेक्स में और उसकी वजह से ही सोने चांदी की जो प्राइसेज हैं उनमें एक अपसाइड मोमेंटम देखने को मिला था। लेकिन जो डॉलर और यूएस ट्रेजरी यील्ड्स थे उनमें भी कहीं ना कहीं सपोर्ट लेवल ही देखने को मिलता, वो भी अपने सपोर्ट्स पर रहे थे। इसके कहीं ना कहीं इसके मद्देनज़र कहीं ना कहीं गोल्ड और सिल्वर के जो प्राइसेज हैं वो निचले स्तर से रिकवर तो हुए थे लेकिन ज़्यादा तेज़ी की ओर नहीं जा पाए थे। तो इसलिए गोल्ड और सिल्वर के जो प्राइसेज हैं वो अभी एक ऐसी ही सीमित दायरे में देखने को मिलते रहेंगे। डॉलर इंडेक्स काफ़ी अहम रोल प्ले करता है गोल्ड और प्राइसेज गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेज के लिए। तो जब जब गोल्ड डॉलर इंडेक्स और डॉलर में गड़बड़ होती है तब तक गोल्ड और सिल्वर के जो प्राइसेज हैं उनमें वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है। हमने गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेज को हाल ही में जब रशिया ने यूक्रेन पर स्टार्टिंग में हमला किया था तब हमने उनको अपने ऑल टाइम हाई के करीब भी जाते हुए देखा था लेकिन वहाँ से जो कीमतें हैं वापस लौट गई थी, ज़्यादा दिनों के लिए वहाँ पर सस्टेनेबिलिटी कीमतों के में नहीं देखने को मिली थी। तो गोल्ड और सिल्वर में अभी हाल फिलहाल में उठापटक वाला रुझान जारी रहेगा। घरेलू वायदे की बात करें तो जब तक जो गोल्ड है 52200 का ऊपर ट्रेड नहीं करता है, ये सस्ते नहीं हो जाता है तब तक एक ब्रेकआउट लेवल गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस में देखने को नहीं मिल पाएगा। अगर 52000 के ऊपर निकल जाता है तो 53000 के भी जो लेवल्स हैं MCX गोल्ड पर देखने को मिल जाएंगे। लेकिन जो सिल्वर है, सिल्वर में भी ऐसी ही हमने कंसोलिडेशन वाला मोड देखा है। सिल्वर में भी अगर जो कीमतें हैं उनमें ब्रेकआउट लेवल आना काफ़ी ज़रूरी है तभी आगे तेज़ी देखने को मिलेगी, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर में देख रहे हैं कि काफ़ी समय से ऐसे ही सीमित दायरे वाला एक ट्रेड देखने को मिल रहा है। बात करेंगे यहाँ से अब कच्चे तेल की। तो कच्चा तेल देख रहे हैं कि पहले के मुकाबले और ज़्यादा लुढ़क गया है। WTI $95 पर है 2.5% की करेक्शन के साथ, वहीं ब्रांड क्रूड ऑयल भी 2.5% की करेक्शन के साथ $100 पर ट्रेड करता नज़र आ रहा है। देख रहे हैं कि जो कच्चा तेल है अब वो धीरे धीरे अपने ऊपरी स्तरों से नीचे नीचे गिरावट की ओर जाता नज़र आ रहा है। अब कच्चा तेल अचानक से गिरता क्यों नज़र आ रहा है, इसका कारण जान लेते हैं। सबसे पहली बात चाइना में इस समय कोरोना की लहर आ चुकी है, कोरोना के जो केसेज हैं वो देखने को मिल रहे हैं जिसकी वजह से वहाँ पे लॉकडाउन है। तो चाइना की तरफ से जो डिमांड है वो पूरी ख़त्म हो चुकी है। दूसरा, अब जैसे अमेरिका हुआ, अमेरिका ने अपने बयान में कहा था काफ़ी पहले कि वो अपने कच्चे तेल का उत्पादन बढ़ाएगा। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने बोला था कि वो कच्चा तेल मार्केट में जारी करेगा ऑल रिज़र्व्स अपने स्टॉक से, स्ट्रेटेजिक रिज़र्व्स, और बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज़ थी जिन्होंने भी इसका साथ दिया था कि वो अपने ऑल क्रूड ऑयल के रिज़र्व से स्ट्रेटेजिक रिज़र्व्स मार्केट में लेकर आएंगी। तो इस खबर की वजह से जो कच्चे तेल की जो मार्केट है वो टूटती नज़र आई थी और चाइना जो कि मार्केट का बहुत बड़ा प्लेयर है और क्रूड ऑयल और बेस मेटल्स में काफ़ी अहम योगदान देता है चाइना मांग के तौर पर, तो वहाँ पर लॉकडाउन की वजह से वहाँ से मांग कम हुई है। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं कच्चे तेल का जो बाज़ार है वो ऊपरी स्तर से फिसला है, डगमगाता नज़र आया है। लेकिन अभी जिस हिसाब से सप्लाई हो रही है तो जानकारों का ये भी कहना है कि अगर चाइना आ जाता है मार्केट में वापस दोबारा से या फिर क्रूड की जो डिमांड है वो बढ़ जाती है तो प्राइसेस जो हैं कच्चे तेल की वो फिर से तेज़ी की ओर ही जाएंगे। क्योंकि अभी तक मार्केट में कंट्रीज़ ने बयान तो दे दिए हैं अपने अपने कि हम ये कर देंगे, हम इतना कच्चा तेल जारी करेंगे, हम इतना प्रोडक्शन बढ़ा देंगे पर डे का बैरल के हिसाब से, लेकिन अभी तक उतनी सप्लाई आई नहीं है मार्केट में। बयान के बाद भी अगर कोई कंट्री अपने इस गोल पर काम भी करती है तो मार्केट में क्रूड आने में टाइम भी लग जाएगा। तो इसकी वजह से कच्चे तेल का जो बाज़ार है अगर आने वाले टाइम में उठता भी नज़र आ सकता है, ऐसा जानकारों का मानना है। फिलहाल अभी एक सीमित दायरे में रहेगा।
हो सकता है कि आज इंट्राडे में जो कच्चा तेल है वो $100 के, जो ब्रांड क्रूड ऑयल है वो $100 के नीचे भी लुढ़क जाए। WTI को तो हमने पिछले कारोबारी सप्ताह ही $100 के नीचे जाते हुए देख लिया था, आज आशंका है कि ब्रांड क्रूड ऑयल $100 के नीचे लुढ़क जाए। बात करेंगे यहाँ से अब बेस मेटल्स की, तो बेस मेटल्स में देख रहे हैं कॉपर $4.6 पर है, 0.1% की करेक्शन है। M6 जिंक 358 पर है, M6 निकल 2550 और लेड 185 पर। देख रहे हैं कि बेस मेटल्स का जो वायदा बाजार है ऐसी मिले जुले रुझान के साथ खुलता नज़र आया है, बेस मेटल्स की कीमतों में कोई ज़्यादा खास तेजी मंदी बनती नज़र नहीं आई है। कॉपर के प्राइसेस को थोड़ा सपोर्ट है क्योंकि ऐसी खबरें हैं कि चाइना अपनी पॉलिसी, इकोनॉमी के लिए जो पॉलिसी, अपनी अर्थव्यवस्था के लिए जो पॉलिसी है उसमें कुछ बदलाव कर सकता है, चेंजेस कर सकता है, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था को, इकोनॉमी को सपोर्ट मिलेगा। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं कॉपर के प्राइसेस को सपोर्ट मिलता नज़र आया है। दूसरा, जिंक के प्राइसेस इसलिए आए हैं क्योंकि जो इस जिंक की जो इन्वेंट्री है उसमें थोड़ी कमी देखने को मिली है, डिमांड ज़्यादा उठी है जिंक की, जिसकी वजह से जिंक की कीमतों में हमने उछाल आते हुए देखा था। और जो निकल है, निकल में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है ऊपर स्तरों से। तो अभी बेस मेटल्स का जो बाज़ार है वो ऐसे ही उठापटक वाला बेस मेटल्स का बाज़ार भी देखने को मिलता रहेगा, लेकिन लंबी अवधि की बात की जाए और जब चाइना मार्केट में फिर से आ जाएगा लॉकडाउन के बाद, तो बेस मेटल्स की जो मांग है वो फिर से देखने को मिलेगी और जो प्राइसेस हैं फिर से अप जाते नज़र आएंगे। तो कुल मिलाकर जो चाइना भी इस समय हॉलीडेज पर चल रहा है लॉकडाउन के चलते, मार्केट में आते ही कच्चा तेल भी उछल जाएगा और बेस मेटल्स भी, और इसका जो कहीं ना कहीं प्रभाव है वो सोने चांदी की कीमतों पर भी देखने को मिल सकता है। बात करेंगे यहाँ से अब नेचुरल गैस की, तो नेचुरल गैस की कीमतों में हमने तेज़ी आते हुए देखी थी, ठीक ठाक तेजी रही थी। अभी की बात करें तो अभी नेचुरल गैस 0.1% की करेक्शन के साथ $6.2 पर ट्रेड करती नज़र आ रही है। नेचुरल गैस में हमने तेज़ी इसलिए आते हुए देखी थी क्योंकि रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध तो चल रहा है, जिसकी वजह से नेचुरल गैस की जो सप्लाई है, जो आपूर्ति है वो डिस्टर्ब हुई है। और भारत में भी हमने देखा है कि CNG हो गया, PNG हो गया, LNG हो गया, LPG हो गया, जितने भी गैस के दाम हैं, हर टाइप की गैस के दाम भारत में बढ़ाए जा चुके हैं, एक बार नहीं कई कई बार, जब से रशिया यूक्रेन का युद्ध स्टार्ट हुआ है। और सिर्फ भारत ही नहीं है, इसमें अन्य देश भी शामिल हैं जहां पर जो गैस की जो प्राइसेस हैं वो उछाल मार रहे हैं। तो अभी जैसे समर सीज़न आ गया है, समर सीज़न में कूलिंग की आवश्यकता रहती है ज़्यादा, पावर जनरेटर्स रहते हैं, और लॉकडाउन की भी कोई कहीं पर स्थिति नहीं है सिर्फ चाइना को छोड़ के, चाइना को छोड़ दिया जाए तो अमेरिका हो गया, यूरोप हो गया, इटली, फ्रांस, सब जगह जो फैक्ट्रीज़ हैं, जो बिजनेसेस हैं पूरे प्रॉपर ऑर्डर में चालू हैं। तो नेचुरल गैस की जो डिमांड है ठीक ठाक बनी हुई है, और रशिया यूक्रेन की वजह से जो सप्लाई डिस्टर्ब हुई है उसकी वजह से जो गैप आया है सप्लाई और डिमांड का, उसकी वजह से जो कीमतें हैं उनमें उछाल देखने को मिला है, और आज हल्की सी ऊपरी स्तर से प्रॉफिट बुकिंग भी बनती नज़र आई है। लेकिन जब तक गर्मियां रहेंगी तब तक नेचुरल गैस की जो डिमांड है ठीक ठाक देखने को मिलती रहेगी, 2-3 महीने तक नेचुरल गैस की जो डिमांड है वो देखने को मिलेगी। तो ये तो बात करी थी हमने यहाँ पे नॉन एग्री कमोडिटीज़ की।